नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं वुमेन टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ उषा धारा। आज तारीख है 12 अक्टूबर सन 2021 और आप देख रहे हैं देश का पहला महिला न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना महामारी के कठिन समय में मुफ्त राशन देने में है देश सक्षम। पुंछ आतंकी हमले के दौरान सेना के जवान शहीद। अधिक महिला कर्मचारियों वाले स्कूल में होते हैं अधिक झगड़े। राजस्थान के शिक्षा मंत्री के बयान पर मचा बवाल। प्रशासन ने चंडीगढ़ में पटाखों पर लगाई पूर्ण पाबंदी। और अब खबरें विस्तार से। चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने रविवार को नेशनल डे समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ताइवान अपनी सुरक्षा के तमाम इंतजाम खुद कर सकता है और वह चीन के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र के समर्थक रहे हैं और यही हमारी ताकत है। ज्ञात रहे कि शनिवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान को चीन में मिलाना चाहते हैं। ऐसे में साई का यह बयान चीन को खटक सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के कठिन समय में भारत में हर गरीब को अन्न मिल सके, उसके लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सोमवार को पुंछ जिले में सुबह सुबह ही सेना पर हमला कर दिया जिसमें सैनिक शहीद हो गए। आतंकी अंधेरे में फायदा उठाकर गोलियां चलाकर भाग निकले। इस दुखद घड़ी में पंजाब ने शहीद जवानों के परिवार वालों को 50-50 लाख और नौकरी देने का वायदा किया है। शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घर वालों को सौंप दिए जाएंगे। गत रविवार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की महिलाओं ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में विरोध कर गृह मंत्री अमित शाह के घर के सामने प्रदर्शन किया, जिसके पश्चात उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। उन्होंने यह भी बताया कि रविवार के प्रदर्शन को लेकर आईस की महिला कार्यकर्ताओं से वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने बदसलूकी की और उन्हें प्रताड़ित किया। इस सिलसिले में कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी की तरफ से कविता कृष्णन ने बताया कि तैनात महिला पुलिस कर्मचारियों ने कार्यकर्ता श्रेया और नेहा तिवारी पर भी हमला किया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान विवादों में है, जिसके चलते उन्होंने कहा है कि अधिक महिला कर्मचारी वाले स्कूल में अधिक झगड़े होते हैं। उनके इस बयान से महिला शिक्षिकाएं सकते में हैं। ज्ञात रही कि मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह में बोल रहे थे। सरकार ने पॉलिसी ऐसी बना दी कि महिला पहले, हमने सिलेक्शन में भी, हमने प्रमोशन में भी, हमने सब में भी उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको लगाते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो महिला को प्राथमिकता देते हैं। तो कई जो सुविधा भोगी लोग हैं, कई जो नेता लोग हैं हमारे विभाग में, उनको अच्छा भी नहीं लगता, नहीं साहब देखो ये तो अन्याय है, हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं क्या। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं विभाग श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी नरसंहार के शहीद किसानों की अंतिम अरदास में हुई शामिल। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि किसान इस देश की रीढ़ हैं और उनको मजबूत रखना, न्याय दिलाना हमारा ध्येय है। मुंबई ड्रग्स केस मामले में एक सैनिटरी पैड में ड्रग्स मिलने का वीडियो सामने आया है, जिसे मुनमुन धमीजा का बताया गया है। एनसीबी के अधिकारियों ने बताया है कि ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन क्रू सर्चिंग ऑपरेशन रेड मारी गई थी। मुनमुन धमीजा पेशे से एक मॉडल व एक्टर हैं। इस मामले में अभी कोई निर्णय सामने नहीं आया है। इस मामले में वुमेन टीवी इंडिया का यह मानना है कि हमें नशे के बढ़ते राक्षस से बच्चों व युवाओं को दूर रखना चाहिए और इसके लिए हमें जी तोड़ प्रयास भी करने चाहिए, ताकि जीवन में उन्हें इस तरह की स्थिति से
ना गुजरना पड़े और वे स्वस्थ रहें। प्रशासन ने चंडीगढ़ में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। एडवाइजर धर्मपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें डीसी मनदीप सिंह और दूसरे अधिकारी भी शामिल थे। ज्ञात रहे कि पंजाब और हरियाणा में दिवाली पर पटाखे जलाने की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में देखना यह होगा कि यह पाबंदी आखिर कब तक जारी रहेगी। आज के मॉडर्न जमाने में आज भी लोग अंधविश्वास के शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चंडीगढ़ की मौली जांगरा से सामने आया है, जिसमें 3 महिलाएं अंधविश्वास के चक्कर में ठगी का शिकार हो गई हैं। गौरतलब है कि युवकों ने तंत्र मंत्र से उन्हें बेहोश कर दिया और महिलाओं के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गए। आधुनिक युग में ऐसा होना कई सवाल पैदा करता है कि लोग जाने अनजाने में आकर अब भी भूत प्रेत और बाबाओं के पाखंड में आकर खुद का नुकसान कर लेते हैं। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भारत के कोविड टीकाकर्मी अपनी जान की परवाह ना करते हुए दुर्गम जगहों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी नदी पार करते हुए दवा ले जाते देखे जा सकते हैं। ट्विटर पर इस वीडियो को विदेशों में भी ट्वीट किया गया है, जो दर्शाता है कि कोविड महामारी को हराने के लिए भारत के जज्बे का मुकाबला नहीं किया जा सकता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। युवा गायिका शुभ्रा अग्निहोत्री ने अपनी मां के जन्मदिन पर एक गाना पोस्ट किया है, जिसे दर्शकों की काफी सराहना मिल रही है। बेटी का गायन और मां के द्वारा तबला वादन सभी को आकर्षित कर रहा है। एक झलक आपके लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निवेदिता और ईशानवी हेगड़े ने अपने नृत्य से सभी का मन मोह लिया है। माँ और बेटी की ये जोड़ी अपने लास्य नामक YouTube चैनल और Facebook पर खूबसूरत नृत्यों की वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। आइए देखिए राजस्थानी नृत्य की ये झलक। आज की खबरों में बस इतना ही। न्यूज बुलेटिन को पसंद करें तो लाइक और शेयर जरूर करें। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट www.womentvindiain पर भी लॉगिन करें। अब उषा धारा को इजाजत दीजिए। जय हिंद।